ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि आपको सेक्शन 9 कब कब नहीं करना चाहिए, किन कंडीशन में नहीं करना चाहिए। अगर आप करते तो आपका टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है और काफ़ी हरासमेंट होने वाली है और होना जाना आपको कुछ नहीं है, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है। लेट्स स्टार्ट इट इंट्रो। तो सबसे जो पहली कंडीशन वो ये है कि अगर वाइफ की गवर्नमेंट जॉब है, अगर आपकी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब है, सपोज वो टीचर है किसी और स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में, फिर आप सेक्शन 9 करते हो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वाइफ के पास एक सफिशिएंट रीजन है। ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर वाइफ की कोई ट्रेनिंग चल रही है, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है 6 महीने का, 8 महीने का, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का या कोई भी प्राइवेट जॉब का, तब आप नहीं कर सकते। ओके, कोर्ट को भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको छोड़ के नहीं आएगी। ओके, तो उसके पास एक सफिशिएंट रीजन है। नेक्स्ट आता है कि अगर वो फॉरेन में है, सपोज वो फॉरेन में कोई पर्पस के लिए गई है या फिर कुछ टाइम वहीं पे है, तो भी आप नहीं कर सकते। करोगे तो कोई फायदा नहीं है, कुछ होने वाला है ही नहीं, नथिंग। ओके, नेक्स्ट आता है कि सपोज उसको कोई पढ़ाई करनी है, यानी कि वो अपने मायके में या फिर कहीं भी पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि वो छोटी मोटी पढ़ाई, यानी कि लॉन्ग टर्म वाली पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे कि कोई एग्ज़ाम हो गए, यानी कि कोई एग्ज़ाम चलते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो सफिशिएंट है, यानी कोर्ट की नज़रों में वो उसको मिस नहीं कर सकती। तब अगर आप सेक्शन 9 करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो या तो आप वेट कीजिए कि भाई ऐसी कोई कंडीशन ना हो, अगर है तो आप बिल्कुल अप्लाई ना करो, आपका टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है और होना जाना कुछ नहीं है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। बाय।